बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर उन्हें पद्म भूषण मिलने पर बधाई देने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सिंधिया रविवार रात 10 बजे सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट भी थे। ताई के घर पहुंचे सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका ताई से घर का रिश्ता है। वो एमपी ही नहीं बल्कि देश की धरोहर है। मेरे लिए वो ताई है, भविष्य में भी मेरा उनके साथ ये रिश्ता रहेगा। वहीं सचिन तेंदुलकर के किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट को लेकर सिंधिया ने कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, लेकिन सरकार जो कृषि कानून लाई है वो किसानों के विकास के लिए है। देखिए, मैं इन चीज़ों पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन टिप्पणी की जानी चाहिए, अपने भावनाओं को व्यक्त किए जाने चाहिए पूरे मूल मंत्र को समझते हुए। और जो व्यक्ति इन तीन कृषि कानून सुधार कानून को पढ़ेगा, वो केवल 21वीं सदी के किसान की प्रगति और विकास के कानून हैं। और इस पर बहुत लंबा वक्तव्य मैंने संसद में भी दिया है। और जो सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध सदैव रही है, चाहे योजनाओं के तहत, चाहे समर्थन मूल्य की वृद्धि के तहत, हर कदम पे किसानों के साथ कदम कदम मिलाकर उनके सर्वांगीण विकास का ही सपना पिरोया है, वो सरकार किसान के समर्थन में ही कदम लेगी, जो ये कृषि कानून बिलों में भी पूरी तरह से अलौकिक है। सर, कृषि कानून पर लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अहंकार छोड़कर मोदी जी को बिल वापस लेना चाहिए, जो कि किसान विरोधी है। और अक्टूबर तक जिस कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए समर्थन मूल्य में ना कोई वृद्धि की ना खरीदारी की, मैंने सारे आंकड़े सभा पटल पे रखे हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे दाल हो, चाहे तिलहन हो, उस समय की खरीदगी और आज की खरीदगी में कई जगह 300 गुना फर्क है, कई जगह 40 गुना फर्क है। कथनी और करनी में हमारी अंतर नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जो है लगातार सांसद रही है, पद्म भूषण मिला है, अब ताई को किस नए रूप में जल्द रही? मैं उनको बधाई देने आया था, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने आया था। मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत संबंध उनके साथ रहा है, आज नहीं लेकिन पिछले 20-25 सालों से। और मेरे लिए तो मेरी ताई हैं, मेरा घर है, सदैव रहा है और आज भी है और भविष्य भी मेरा रहेगा। लेकिन जो उन्हें पद्म भूषण दिया गया है, मैं मानता हूँ कि हमारी धरोहर हैं, इंदौर की केवल नहीं, मध्य प्रदेश की केवल नहीं, लेकिन अब देश की धरोहर है, और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पद्म भूषण मतलब राज्यपाल के रूप में जल्द दिखेगी। अब देखिए, इन चीज़ों में मैं टिप्पणी।